ये बात किसी से नहीं छुपी है कि भव्य राम मंदिर को बनाने में कितना समय लगा है। ऐसे में कई सालों तक ये मजदूर अपने घर नहीं गए थे, लेकिन राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से करीब एक हफ्ते पहले इन्हें अपने घर के लिए रवाना कर दिया गया था। अब 15 फरवरी को श्रमिक लौटेंगे और राम मंदिर में दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने के बाद राम मंदिर का काम बंद हो गया था, क्या लगता है कि कब से काम स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का काम प्राण प्रतिष्ठा की वजह से 15 तारीख के बाद बंद कर दिया गया था, और जो श्रमिक थे वो सब बाहर के हैं, तो उन लोगों को एक एक माह की छुट्टी दी गई। जाइए आप लोग अपने एक माह घर पे रह के आइए, क्योंकि वो काफी श्रमिक तो कई सालों से घर नहीं गए थे। तो अब 15 फरवरी को वो लोग लौटेंगे, उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। कितने मजदूर तो एक शिफ्ट में 500-700 लगता है भाई, दो शिफ्ट चलता है तो 1,000-1,500 मजदूर के बीच में काम करता है, जैसा आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी जो कुछ मजदूर जो लगे हैं तो वो फुटकर काम बहुत पड़ा है, उसको करने में लगे हैं, लेकिन मंदिर का जो निर्माण का कार्य है वो 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाएगा, जो फिर बराबर चलता रहेगा और इस हिसाब से चलेगा कि हमारे दर्शन भी होते रहे और मंदिर का काम भी होता रहे।